आज हम बनाएंगे कोथिंबीर के मुटकुए, धनिया के मुटकुए। इसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल हरभर दाल का आटा, आधा बाउल सूजी, आधा बाउल ज्वार का आटा, जीरा, एक ओनियन और ये अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और ये धनिया। पहले हम पेट भून लेंगे, सब तीनों रवा सूजी सबको हम भून लेंगे। पहले सूजी हम पहले सूजी भूनेंगे, क्योंकि सूजी को ज्यादा टाइम लगता है भूनने के लिए, इसलिए पहले हम सूजी भूनेंगे। सूजी भून गई दाल का आटा। आटा गून चुका है, अभी हम इसका धनिया में डाल के इसका एक डो बनाएंगे। धनिया हमने धो के बारीक काट लिए है, चलो अभी हम आटा और धनिया को मिक्स करते हैं। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च की पेस्ट, ओनियन, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऑयल, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के डो बना लेंगे। अभी हमारा आटा तैयार है, अभी हम इसके मुटकुले बनाएंगे। मुटकुले का आटा तैयार है, अब हम इसके मुटकुले बनाएंगे। इसका एक छोटा बॉल लेंगे और इसे उसे ऐसे करके रोल करके इसे हम छन्नी में रखेंगे। जस्ट लाइक दिस, ओके, वापस लेंगे। अभी हम इसे यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रखा है, इस पे हम इसको रखेंगे। और 15-20 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। अभी हमारे मुटकुए तैयार है, अभी हम इसको ठंडा करके इसके बारीक पीसेस करके इसके शैलो फ्राई करेंगे।
अब हम इसको फ्राई करेंगे। मुटकुरे तैयार है, कम ऑयल में तैयार हो जाते हैं और खाने के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। आपको इसको चाहिए तो आप लोग इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने शैलो फ्राई किया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन। थैंक यू।